हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे लाल भाजी के बड़े। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको आप हरी चटनी के साथ खाएंगे ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। उसके पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने लिया है ये लाल भाजी होती है, इसको ऐसे पत्ती इसकी तोड़ ली है। मैंने यहाँ 500 ग्राम भाजी ली और इसको ऐसे काट लेंगे हम पहले। फिर उसके बाद में इसको ऐसे धो लेंगे दो तीन पानी से अच्छे से, और इसको एक छन्नी पे रख देंगे हम, ताकि उसका पूरा पानी निथर जाए। अब हम एक कटोरी प्याज लेंगे, दो से तीन हरी मिर्ची लेंगे, और दो कप बेसन, और खाने का सोडा, अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक, और तलने के लिए तेल और पानी। तो चलिए अब एक बाउल लेते हैं, उसमें हम सारी जो भाजी हमने सुखा कर रखी थी उसको डाल लेंगे। और अब बेसन डालेंगे हम, पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ पे लगभग मैंने दो कटोरी के लगभग पूरा बेसन यूज़ किया है। थोड़ा सा डाल के देख रही हूँ, फिर आप मिक्स कीजिए। हमको एकदम पतला घोल नहीं करना है, हमको इसके पहले बॉल टाइप का बनाना है। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। ये देखिए, मैंने इधर फिर से बेसन डाला है, इसे फिर से मिक्स कीजिए अच्छे से। इसको हमें एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, याद रखिएगा, क्योंकि हमें इसकी बॉल बनाना है। तो आप इसमें पानी का यूज़ अभी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि सूखा सूखा लग रहा है तो एकदम थोड़ा सा आप एक दो बूंद ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पानी का यूज़ नहीं किया है। तो अब मैंने ये जो सब काट के रखा था सब मैं डाल रही हूँ, सब प्याज, हरी मिर्ची और अजवाइन डाला है मैंने। अब इनको भी मिक्स कर देंगे हम। ये देखिए मेरी बेटी यहाँ ला कर रख दी है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और आधी छोटी चम्मच खाने का सोडा, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखेंगे हम ऐसे बॉल बना सकते हैं, मतलब कि ये हमारा सही बना है। अब हम कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम डालेंगे तेल तलने के लिए। चलिए अब बनाते हैं। हम अपनी हथेली को ऐसे गीला कर लेंगे थोड़ा सा पानी से, एक थोड़ा सा ऐसे तोड़ेंगे, और अपने हाथ में से बॉल बना करके हम इसे गरम तेल में तलने के लिए डाल देंगे। हमको इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमको सिर्फ इसको 50% तलना है। देखिए इसे तीन से चार बॉल आप जितने आ सकते हैं कढ़ाई में उतने आप बना के डाल सकते हैं। और अगर आपको ये किसी गेस्ट को आपको देना है तो आप इसको सिर्फ ऐसे गोले बना करके आप रख सकते हैं तल के, और फिर जब गेस्ट आए तो गरम गरम उनको दबा करके और तल लीजिए फिर से। ये देखिए ये तला गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। हमको याद रखिए हमको इसको ज़्यादा नहीं तलना है। अब ऐसे निकाल लेंगे हम, और अब ये देखिए ऐसे हैं बॉल। अब इनको हम ऐसे दबा देंगे कटोरी की हेल्प से, इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए हम सभी को ऐसे कर लेंगे, ऐसे दबा देंगे हम। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, एकदम क्रिस्पी लगते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और अब ये देखिए अब हम इसको फिर से तल लेते हैं। हमें इसको भी ज़्यादा नहीं तलना है, याद रखिए ये, क्योंकि 50% पहले पक चुके हैं तो हमें इसको जलाना नहीं है। हमको बस ऐसे डालना है एकदम गरम तेल में, फ्लेम याद रखिए मीडियम रखिएगा। हमको इसे 5 मिनट तल लेना है। ये देखिए अब ये पक चुके हैं, इनका कलर भी बहुत सुंदर आता है। इनका नाम ही है लाल भाजी, तो लाल सा थोड़ा पिंक कलर का आता है। अब ये मैंने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर मैं टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, जो कि इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ मैंने एक टमाटर लिया है, दो हरी मिर्ची को काट लिया है, थोड़ा आधा चम्मच जीरा डाला है, स्वाद के अनुसार नमक,
और हरी धनिया ले लेना है आधी कटोरी के लगभग, थोड़ा सा नींबू का रस, और इन सब को डाल करके हम मिक्सिंग में चला लेंगे। और ये देखिए चटनी तैयार है, अब इसको सर्व कीजिए ऐसे गर्म गर्म, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।